व्हाट्स अप गाइस, आज वो दिन आ गया है जब नेहल और अनायरा मुझे छोड़ के जा रहे हैं इंडिया। अभी नेक्स्ट 80-90 डेज के लिए मैं अकेला रहूँगा, तो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स कमिंग अहेड फॉर मी। बट अभी चल रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट, फ्लाइट है 11:30 की, हम लोग वो एयरपोर्ट वाले बस लेंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। हेलो, हाउ आर यू फीलिंग? नर्वस और थोड़ा दुखी। और सुबह सुबह कौन उठ गया है भाई? हेलो अनारखा, ये वाला स्ट्रॉलर नहीं ले रहे क्योंकि बहुत बड़ा है, तो ट्रैवल वाला स्ट्रॉलर हम लोग एक लिए तो उसमें जा रहे हैं। होपफुली इंडिया में फ्लाइट वगैरह में अलाउ करेंगे, क्या बोलती हो? हेलो, हेलो। अभी हम पहुंच गए, टाइम से पहुंच गए एयरपोर्ट और बैग ड्रॉप की लाइन में लगे हैं चेक इन की। उसके बाद फिर फाइनली बाय बाय बोलेंगे, बोर्डिंग पास लेके जाएंगे सिक्योरिटी के लिए। चेक इन हो गया, अभी अनैरा को खाना खिलाया जा रहा है। बट स्ट्रॉलर एक्चुअली जो ट्रैवल स्ट्रॉलर हमने सोचा था कि हमें इस्तानबुल में उतर के भी मिल जाएगा, वो बोले कि नहीं मिलेगा आपको दिल्ली में डायरेक्ट, क्योंकि इसका स्पेशल बैगेज है उसको चेक इन करना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि इस्तानबुल में आपको वो जो बेबी स्ट्रॉलर नहीं मिलता जैसे यहाँ पे एयरपोर्ट पता में नहीं मिलता। शायद मिल जाए, मतलब हमने कॉल करके पूछा था, उन्होंने बोला कि नहीं मिलता है, तो हाँ। अगर आप लोग भी जा रहे हो तो थोड़ा चेक करो। बट हाँ, यहाँ पे स्ट्रॉलर अलाउड नहीं था क्योंकि कुछ इंश्योरेंस का पंगा है। तो फाइनली अनायरा को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया, बहुत खराब लग रहा है, पता नहीं ये मुझे मिस करेगी कि नहीं। हाउ आर यू फीलिंग? इट्स टाइम टू गो। ओके अनायरा, 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 हम लोग कभी इतने अलग नहीं रहे, तो अभी मुझे अंदर से पूरा खोखला लग रहा है। जब मैं घर आया, हमेशा अनैरा ऐसे रहती थी यहाँ पे आके, देखती थी कौन आया है बाहर से। नेहल बहुत रो रही थी, अभी देखते हैं क्या करेंगे। घर बहुत ज्यादा खाली लग रहा है, पहले तो मुझे घर साफ करना है, खाना वाना बनाना है। मतलब इधर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, ऐसे बैठ जाऊं कुछ ना करूं, बाहर से खाना खाऊं या फिर इस चीज को थोड़ा प्रोडक्टिव वे में करूं, खाना वाना बनाऊं, घर पर साफ रखूं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करूं। हम लोग सेकेंड वाला चीज करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्टिव करेंगे, क्योंकि अनारा के चलते यूट्यूब में भी इतना फोकस जा नहीं पा रहा था। होपफुली कुछ वीडियोस बना पाऊंगा। अभी बैठ उन लोग को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जो लोग अकेले रहते हैं, मतलब मानना पड़ेगा मैं कभी भी अकेला नहीं रहा था। मतलब खाना बनाओ, फिर खाओ, बर्तन धो, मतलब खाना बनाने का मन ही नहीं करता। मैं कैसे तो बना लिया आज, कुछ चावल और कुछ बना लिया और खा लिया, बट तो फ्रस्ट्रेटिंग। अभी मेरी बेटी गई है मेरे से दूर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो गया, मतलब पूरा अकेला पड़ गया हूं। मैं सोचता हूँ कि जब हम लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए या फिर कहीं पे भी जाते, तो उनको उनको कैसा बीतता होगा वो पता चलता है। बट हाँ, मतलब मम्मी पापा दोनों हैं तो एक दूसरे के साथ रह जाते, बट अकेला अगर कोई रहेगा तो इट्स वेरी टफ। चलो आज का दिन ऐसे ही चला गया, मैं सुबह से बैठा हूं, मैं लिटरली उसी सोफे में बैठा हूं, तब से बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ मन नहीं कर रहा। बट कुछ क्लीनिंग करी है घर, कल पूरा क्लीन करना है, तो चलो